हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आईटी एग्जाम की ट्यूशन। तो आज हमें क्लास होने वाली जीके जीएस की होने वाली है, आपके रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि आप लोगों की जो मुझे मैंने कम्युनिटी पोस्ट आया था उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने जो है जीके और जीएस के मिक्स जो क्वेश्चन थे उनकी डिमांड की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आज की क्लास लेकर आया हूँ। ये दोस्तों, जैसे कि आप आईटीआई कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ग्रुप डी या एनटीपीसी का फॉर्म तो भरा ही होगा, ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब के लिए जो है आज क्लास इंपॉर्टेंट है। और आपके जो आईटीआई के ट्रेड वगैरह इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिकल, उन सब में जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस क्लास में भी आपके मतलब जो है हेल्पफुल मिलेगी इस क्लास से आपको, ठीक है। क्योंकि साइंस जो है वो अलग नहीं होती, ठीक। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिशियन हुआ, फिटर हुआ, मैकेनिकल, डीजल हुआ और अन्य ट्रेड है, उनमें साइंस के जो है मिक्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं आपकी ट्रेड थ्योरी में, ठीक। तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला दिसंबर में, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आपने जो ग्रुप डी का भर रखा है तो उसके लिए भी यह क्लास है, ठीक है। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो क्लास को जरा सा मिस मत करना, पूरी देखना और उन दोस्तों में अपने शेयर कर देना, ताकि जिन्होंने आरआरबी का फॉर्म भरा है आरआरसी का, तो उनको भी जो है ये क्लास शेयर करते हैं दोस्तों, ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा पूरा बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन ऑप्शन बनेंगे आपको बेसिक से भी थोड़ा बहुत समझाता चलूँगा। जैसे प्रकाश का क्वेश्चन है तो प्रकाश से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ आपको समझाता चलूँगा दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास होगी तो इसलिए प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन होगा घंटे के निशान उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास लाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही जाएगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि प्रकाश की चाल को का मापन सबसे पहले किसने किया था। चलिए, जो प्रकाश की चाल है उसका मापन सबसे पहले किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, रोमर या फिर गैलीलियो। चलिए दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका रोमर ऐसा जाएगा दोस्तों। जो प्रकाश की चाल है सबसे पहले रोमन ने किया था, ठीक है। और जिसकी प्रकाश के सात रंगों से जो मिलकर बना होता है, ये किसने पहचान की, ये की दोस्तों आपकी न्यूटन ने, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो सात रंगों से मिलकर बनाता है, तो ये आपको जो है सिद्धांत किसने दिया, ये दिया आपका न्यूटन ने। और जो आपका सापेक्षिता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था आपका, वो दिया था दोस्तों आइंस्टाइन ने, ठीक। और अगर मैं बात करूँ जो उसके तरंग सिद्धांत था, जो आपका जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत का, वो किसने दिया था आपका, वो दिया दोस्तों आपका हाइजेन ने, ठीक है। जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत का जो नियम था वो किसने दिया था आपका, हाइजेन ने, ठीक। इससे इंपॉर्टेंट एक बात और बता दूँ आपको, जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, जो निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल, वो होती है आपकी दोस्तों 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है आपकी निर्वात में। और अगर मैं जल में बात करूं, जो जल में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 2.25×10^8 मीटर पर सेकंड। ये होती है आपकी उसमें, किसमें, जल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रोमर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया था, किया जाता है किसके लिए किया जाता है। चलिए आपको राइट आंसर बताना है, जो कोरिनोग्राफ होता है उसका जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है। चलिए आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है किसके साथ जाएगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर बताइए किसके साथ जाएगा। तो सूर्य के जो कोरोना वायरस था उसका फोटोग्राफ लेने के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। जो कोरोनाग्राफ का प्रयोग सूर्य के जो कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि जो हिमाटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक, उसी प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जाए आपका डी ऑप्शन, सूर्य के कोरोना वायरस तथा उसके फोटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं एंटोमोलॉजी के कीटों का अध्ययन करूं तो उसमें किसमें किया जाता है, ये आपका एंटोमोलॉजी में कीटों का किसमें कहता है, कीटों का अध्ययन कराया जाता है एंटोमोलॉजी में, ठीक है। तो ये आपके जो है बेसिक से है। और जो पोमोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, वो करते हैं हम फलों के अध्ययन में, ठीक है। हिमाटोलॉजी रुधिर में, और सार्कोलॉजी इसमें क्या जाता है, पेशियों का अध्ययन किया जाता है सार्कोलॉजी में। पोमोलॉजी इसमें क्या जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में, ठीक है। तो इसी प्रकार जितने भी आपके अध्ययन वगैरह बनते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अध्ययन किसके द्वारा होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका किसने हो जाएगा, कोरोना वायरस जैसे अब चल रहा है ना सिस्टम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कोरोनाग्राफ का प्रयोग किसमें होता है, सूर्य के कोरोना वायरस था उसका फोटोग्राफ लेने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है। चलिए बताइए राष्ट्र, आपको राइट आंसर बताना है जो राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है। चलिए बताइए आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है। चलिए, और ये नहीं कि आपको सफेद रंग, आपको सभी रंग का बताना है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर दोस्तों ये राइट आंसर होगा वो आपका सत्य तथा पवित्रता का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो केसरिया रंग होता है वो जागृति शौर्य का तथा त्याग का होता है, और जो सफ़ेद रंग होता है वो सत्य पवित्रता का होता है, और जो आपका हरा रंग होता है वो आपका जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है हरा रंग, ठीक है। और जो आपका भारत की जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, जो ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों, 3:2, ये लंबाई और चौड़ाई का होता है। एग्जाम में कभी को उल्टा पूछ लेता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा, तो राइट क्वेश्चन जो स्टूडेंट होते हैं वो राइट आंसर कितना लगाते हैं, 3:2। लेकिन इसे अगर पूछ ले उल्टा करके चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो हो जाएगा आपका 2:3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में को घुमा देता है। और मैं बात करूँ जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में जो तिल्लियाँ होती हुई कितनी होती है, 24 होती है, 24। और जो इसका पहला महीना चैत है, जो सामान्य वर्ष में 21 मार्च एवं लीप वर्ष में 22 मार्च को आरंभ होता है, ठीक। तो जो 22 मार्च 1957 को उसको अपनाया गया था कैलेंडर संवत में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सत्य तथा पवित्रता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर आपको बताना है। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फोर्ट्रॉन, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कोबोल उच्च स्तरीय HL अंग्रेजी भाषा में के समान होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका फोर्ट्रॉन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। चलिए बताइए आपको राइट आंसर बताना है कि जो जो आपका था शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए बताइए, ये जमता हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। चलिए बताइए किसके साथ जाएगा, किसकी कमी का कारण बताइए शरीर में। तो दोस्तों वो आपका जो राइट आंसर वो हेपरिन के कारण शरीर के जो अंदर का रक्त का थक्का नहीं जमता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका दोस्तों यहां पर हो जाएगा। तो रक्त का धक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन और फाइब्रो जो नोजन होता है उसके लिए रक्त का धक्का बनता है, प्रोटीन और फाइब्रोजन से, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जो देखिए इसमें थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, जो लाल रक्त कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका के बीच का अनुपात कितना होता है, वो होता है 600:1 होता है। किसके पूछे पूछ रहा है मैं, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके बीच का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है, ठीक है। तो ये होता है, अगर इसके बारे में आपको अगर रक्त के बारे में थोड़ी जानकारी दूँ, जो रक्त का वर्ग ओ के जो दानकर्ता होते हैं वो यूनिवर्सल दाता कहते हैं कोई, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते, ठीक है। और जो आपके रक्त समूह AB वाले होते हैं वो यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहलाते हैं, ठीक है। वो किसी का भी वो मतलब जो है खून ले सकते हैं AB, और जो ओ पॉजिटिव वाले होते हैं वो किसी को भी अपना जो खून वगैरह है वो दे सकते हैं, ठीक है। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था। राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था, तो अपोलो सेकंड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्षीय जो यान था वो लूना 16 था। जो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था वो कौन सा था दोस्तों, लूना 16 था। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक 2 है, यह अपोलो 2 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। और जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के
आरवी में स्थापित किया गया था। किसमें? आरवी में, ठीक है। और जो जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गागरिन था, जो प्रथम था ना, वो जो मतलब पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ, जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी कौन था? गागरिन था। तो और जब अगर भारत की बात करूँ, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? वो था आपका राकेश शर्मा दोस्तों, ठीक है। राकेश शर्मा ने प्रथम बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी, ठीक है। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो वो कौन था आपका? यूरी गागरिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जितने आपको पॉइंट बता रहा हूँ बोलकर, वो सारा नोट करने आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अंटार्कटिका जो महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? चलिए बताइए, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है सातवें क्वेश्चन का। चलिए बताइए किसके साथ जाएगा? तो क्वीन मेरीलैंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो है क्वीन मेरीलैंड में भारत का स्थायी केंद्र है। जो भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल है वो डॉक्टर एस जेड कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर को यानी कि 1981 को मामगियो यानी कि गोवा बंदरगाह से नॉर्वेयाई जहाज वो जो पोलर सर्किल के द्वारा रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा था दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ना बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आठ ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? बनता है, आपको राइट आंसर बताना है। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किसके? रेटिना के आगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए रेटिना के आगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन रेटिना के पीछे हैं लेकिन मैं इसको कर देता हूँ रेटिना के आगे। यहाँ पर बी ऑप्शन में बता देता हूँ आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो निकट दूर करने के लिए बताया रेटिना के आगे बनता है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस हम उपयोग करते हैं। किसके? अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। जो दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में, और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस चश्मे का हम प्रयोग करते हैं। जबकि जो वृद्धावस्था होती है उसमें आँख की समंजन क्षमता जो है घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है, उसमें कैंसर उत्तल भी और अवतल भी दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। चलिए निकट दृष्टि दोष में, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पर? किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है आपको बताना है कहाँ पर होता है? निर्वात में, हवा में, जल में या फिर हाइड्रोजन में? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बताना है किसके साथ जाएगा। तो सबसे अधिकतम मान जो होता है वो आपका निर्वात में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम कितनी होती है? जैसे मैंने अभी बताया आपको निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 m/s होती है। जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितनी? 3×10^8 m/s। और इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इस्पात में किसकी जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है? दोस्तों जो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है, और जो पृथ्वी अपनी कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है बताइए आपको, आपको बताना है किसके साथ राइट आंसर। ये आपका 18 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है 23.5 डिग्री वह अपनी अक्ष से झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष के से झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, और इसका अक्ष जो इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, इसके कक्षा के सापेक्ष में, ठीक है। और जो इसके चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी यहाँ पर कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं किसके साथ जाएगा कि निम्न में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? चलिए को राइट आंसर दोस्तों बताना है किसके साथ जाएगा। चलिए ग्यारहवा क्वेश्चन है दोस्तों, जो सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है, किसका है? गोदावरी नदी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक, जो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, कैलाश मंदिर है। जितने मैं आपको बड़ा मतलब जिससे सबसे जो बड़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्या बताया मैंने, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, कैलाश मंदिर एलोरा का। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, वुलर झील है। किसमें, वुलर झील, जो कहाँ पर है, कश्मीर में। और जो सबसे लंबी सुरंग है वह जवाहर सुरंग, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, 1.5 किलोमीटर की सुरंग है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद जो है, कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है झील। ठीक है, कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, वो है सहारा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगर मैं डेल्टा की बात करूँ, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, वो है सुंदरवन में। ठीक है, सबसे बड़ा लिवरपूल कहाँ है, वो है हावड़ा ब्रिज। ठीक है, कौन सा है, हावड़ा ब्रिज का। ठीक है, सबसे बड़ा पुल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है, वह है आपका सोन नदी का पुल, जो कहाँ पर है, बिहार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में क्या है। जितने भी आपको दोबारा बता रहा हूँ, जितने भी आपको नोट पॉइंट बता रहा हूँ ना, सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए अब बात करूँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्न में से किसे कहा जा सकता है। चलिए बताइए, चार क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आपको दोस्तों बताना है। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो विंध्येश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या कहता है, कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के कहलाते थे क्या। आपको राइट आंसर बताना है तेरह क्वेश्चन का, कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के, जो सिक्के थे वे क्या कहलाते हैं। यहाँ पर सिक्के होना चाहिए, चांदी के सिक्के। ठीक है, क्या कहलाते हैं, गुप्त शासकों द्वारा। चलिए बताइए क्या कहलाते थे, कि गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के, हो जाएगा यहाँ पर सिक्के क्या कहलाते थे। तो दोस्तों वह आपके रूपक कहलाते थे। क्या, रूपक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं मैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्के को क्या कहते हैं, उसको दिनार बोलते थे। क्या, दिनार बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोली का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया। बताइए, ऑप्शन नंबर को बताना है कौन सा होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा, आपको राइट आंसर बताइए जल्दी से फटाफट मुझको। तो अलाउद्दीन खिलजी, अब इसके बारे में बताया था, जो अलाउद्दीन खिलजी थे अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का उन्होंने प्रयास किया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव भी रखी थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है। चलिए आपको राइट आंसर बताना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है, कि नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैपिटल मार्क का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जो है राइट आंसर जाएगा। चलिए बताइए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा बाजार, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूति बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, आपको राइट आंसर बताना है, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है किसके साथ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा 17वें का, वो होगा आपका बी ऑप्शन, पालक में। ठीक है, क्या होता है, पालक में आपका जो है लोहा पाया जाता है। मछली के जो लीवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है, और मछली का मांस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और आंवले में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और जो आपका गाजर मूली होता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलिए
डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ पूछ रहा है, चलिए बताइए अच्छा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो कंप्यूटर का परमाणु प्रक्षेपणों को सबस्क्रिप्टर प्रक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। तो जो लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है, ये इतने आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक बात बता दूं, जो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था। कौन सा? यूनिवेक था, ठीक। जितने चलिए अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन, कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध करवाई थी? दोस्तों वो थे आपके अकबर। कौन थे? अकबर। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अमृतसर में दिया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण पांचवें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। और जो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण फांसी पर इन्होंने लटका दिया था, ठीक है। किसने? जहांगीर ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ गुरु आपकी जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो कौन थे? वो थे आपके दोस्तों गुरु नानक देव, ठीक है। कौन से थे? गुरु नानक देव। और जो सिखों का दसवें गुरु गोविंद कौन थे? वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के दसवें गुरु थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है कि सिखों के गुरु कौन कौन थे, गुरु गोविंद, गुरु नानक, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो एक ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जो नहीं होता, तो तीन ऑप्शन आपके होते हैं। तो इस प्रकार के आपको जो इनके गुरु थे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखने सिखों के गुरु, ठीक है, अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन कौन सा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? चलिए दोस्तों बताइए। दोस्तों जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो संसद में तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा सदन का निम्न सदन तथा पहला सदन एवं राज्यसभा, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? दूसरा सदन, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में आपको डिस्कस कराए। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको बेसिक से समझाया, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आगे से आपको क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अगर आपको जरा सी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आप मतलब दोस्तों मेरे नए देख रहे हो चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास लाऊंगा तो सबसे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही जाए दोस्तों। चलिए आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।